फास्ट चार्जिंग का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है दोस्तों आजकल। फास्ट चार्जिंग के बारे में आज बात करते हैं, फास्ट चार्जिंग किस बंदे को खरीदनी चाहिए, इससे नुकसान होता है या फिर कोई फायदा है, और ये किन लोगों के लिए फास्ट चार्जिंग का ट्रेंड आया हुआ है आजकल, है ना। हर कोई बंदा लेने की सोच रहा है कि यार मुझे 65 वाट चाहिए, मुझे 100 वाट चाहिए, मुझे 120 वाट चाहिए, क्या करना है इतनी फास्ट चार्जिंग का। आज मैं जितनी हो सके ना कोशिश करूंगा ऐसे लोगों के दिमाग से भूत उतारने का जिन लोगों के दिमाग में फास्ट चार्जिंग का ट्रेंड घुस गया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो मेरा मानना तो ये है कि चाइना वाले ये कंसेप्ट है ना पैसा कमाने के लिए हमारे यहाँ इंडिया में लेके आए, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी जरूरत नहीं है फास्ट चार्जिंग की। मैं आपको आज ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो आपने शायद ही कभी इंटरनेट पर देखा होगा। अमेरिका के घरों में कितनी वोल्टेज आती है आप में से कोई बता सकता है? 120 वोल्ट। और हमारे यहाँ घरों में कितनी वोल्टेज आती है? 230 वोल्ट। अब कुछ बंदे कहेंगे कितनी पीछे है अमेरिका वाले, 120 वोल्ट पे चल रहे हैं, हम यहाँ 230 वोल्ट पे चल रहे हैं। तो भाई ये जश्न मनाने की बात नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा आगे जा चुकी है। आप ये सोचो उनके घर के जो अप्लायंसेस है ना, टीवी फ्रिज कूलर, ये चीजें 120 वोल्ट पे सर्वाइव कर जाती हैं। हमारे यहाँ 230 वोल्ट आ रही है उसके बावजूद भी यहाँ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हर दूसरे तीसरे दिन पड़ोसी के यहाँ से आवाज आ रही होती धुम दुश, ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ फूकने की आवाज आती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो पावर ग्रिड होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। पावर ग्रिड को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो बिजली घर, ये अनस्टेबल वोल्टेज प्रदान करते हैं। फ्लक्चुएशन होती है भाई बहुत ज्यादा, उस फ्लक्चुएशन के कारण हमारे घर के अप्लायंसेस खराब हो रहे होते हैं। मगर अमेरिका में क्या होता है, 120 वोल्ट उनके घरों में वोल्टेज आ रही है और उनके जो पावर ग्रिड होते हैं ना काफी स्टेबल होते हैं, उसकी वजह से उनके जो अप्लायंसेस होते हैं वो सही तरीके से काम करते हैं। आप इतनी बात समझ गए, अब आ जाते हैं चार्जिंग की तरफ। अब हमें ये लगता होगा भाई अमेरिका अगर इतना आगे तो फिर तो 200-300 वोल्ट के फास्ट चार्जर से चार्ज करते होंगे अपने फोन को। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे 20-25 वोल्ट के चार्जर के साथ वो लोग बेहद खुश है, हमारे यही मरे जा रहे हैं। 65 वोट चाहिए, 100 वोट चाहिए, 120 वोट का जैसे चार्जर आ जाए उस फोन को खरीदने के लिए लाइन लग जाती है लंबी लंबी। क्यों? क्योंकि बंदे को दिखाना है किसी दूसरे को। एक किसी दोस्त ने ले लिया 65 वोट का, अच्छा 65 वोट का ले लिया, मैं 120 वाट का लाऊंगा। तो यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ अपनी यूज के लिए फोन नहीं खरीदते बंदे, दूसरे को चिढ़ाने के लिए फोन खरीदते हैं। अब अगर अमेरिका की बात करें तो वो अपने यूज की सारी बातें ध्यान में रख के मोबाइल फोन परचेज करते हैं, जैसे कि बैटरी की लाइफ को ध्यान में रखते हैं। अब फास्ट चार्जिंग अगर हम यूज करते हैं ना, बहुत सारे देखो ना तो कंपनियों वाले बताते हैं इन बातों को, हम टेक्निकल बंदे बोल रहे हैं हमारी को सुन के राजी नहीं। मैं आपको बताता हूँ फास्ट चार्जिंग से क्या क्या नुकसान होते हैं। देखो अगर आप फास्ट चार्जर यूज करो ना अपने मोबाइल फोन में, अच्छा अमेरिका की बात करें तो वहां पे जब परचेज करते हैं ना मोबाइल फोन, तो वो अपने यूज को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन परचेज करते हैं कि फास्ट चार्जिंग चाहिए भी या नहीं चाहिए, कि उसके फास्ट चार्जिंग वाला फोन काम आएगा या नहीं आएगा। वो अपने यूज में देख के, वो अपने यूज को देख के खरीदते हैं, हमारे इंडिया में यूज को देख के नहीं खरीदते। यहाँ पे तो ट्रेंड को देख, यहाँ पे तो ट्रेंड फॉलो करके फास्ट चार्जिंग वाला फोन खरीदा जाता है, चाहे भले उनके मोबाइल फोन की बैटरी खराब हो जाए 1 साल के बाद, चाहे फिर उनके मोबाइल फोन में कोई भी दिक्कत आ जाए, चाहे फिर उनको अलग से चार्जर खरीदना पड़े। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूँ, ये कंपनियां चार्जर साथ में क्यों नहीं देती। जो भी कंपनी फास्ट चार्जिंग वाले फोन लॉन्च करती है ये साथ में अडेप्टर क्यों नहीं देती, इन्होंने क्यों बहाना बना रखा है इस चीज का, हम इन्वायरमेंट को फ्री करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट का नाम लेके ये चार्जर क्यों नहीं देते, क्योंकि उससे पता अगर इन्होंने चार्जर दिया साथ में तो फोन के अंदर दिक्कतें आ जाएंगी। देखो आज की वीडियो ना उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में फास्ट चार्जिंग का भूत चढ़ा हुआ है। अगर मुझे अपने किसी दोस्त के दिमाग से फास्ट चार्जिंग का भूत उतारना हो तो मेरे पास देखो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आज की वीडियो उसको पूरी दिखाऊं, दूसरा तरीका ये कि मैं उसे पंखे पे बिठा दूं और पंखा कर दूं 5 पे, और 5 मिनट बाद जब पंखा रोकूं और जब वो उतरेगा ना तो अकेला नहीं उतरेगा। बस ये दो ही तरीके मेरे पास बचे हैं। कल आपने देखा होगा एक ट्रेंड भी चला हुआ है, बंदे मोबाइल फोन खरीद लेते हैं महंगा सा कोई, वो क्या करते हैं चार्जर लेके चल पड़ते हैं भाई सब गलियों में। आप देखना कई बंदे है ना मोटा सा चार्जर होगा फास्ट चार्जर, और हाथ में लेके हाथ हिलाते हुए ऐसे चल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई देख के ये सोचेगा कि भाई चार्जर इतना बड़ा ले रखा तो फोन कितना बड़ा होगा इसका, तो वो इससे इज्जत पाना चाहते हैं फास्ट चार्जिंग। असल बात बताऊं, 1 साल बाद है ना उन बंदों का दिल भर जाता है उस फास्ट चार्जिंग वाले फोन से, और फिर उन्हें बेचने के लिए दुकानों पर डोलते रहते हैं कि भाई ये फोन बिक जाएगा, भाई देख रहे कितने खरीद लोगे, इस तरीके से फास्ट चार्जिंग के फोन चल रहे हैं। तो चलो फास्ट चार्जिंग के मैं आपको नुकसान बता देता हूं। देखो थोड़ा सा ना दिमाग से काम लेंगे, अमेरिका के लोग है ना 20-25 वोट अपने लिए क्यों प्रिफेर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फास्ट चार्जिंग से आपके मोबाइल फोन की बैटरी डिग्रेड होती है और आपका मोबाइल फोन गर्म भी होने लगता है, और आपका मोबाइल फोन जितनी जल्दी चार्ज होगा वो फिर उतरेगा भी उतनी जल्दी। जितनी दिक्कतें फास्ट चार्जिंग से मोबाइल फोन में होती है ना, वो सारी दिक्कतें उन लोगों को ऑलरेडी पता होता है, हमें नहीं पता। हमें बताएगा कौन, हमें तो यहाँ बिकवाने के लिए क्रिएटर आ जाते हैं, भाई साहब इसमें 65 वाट चार्जिंग, ओह माय गॉड भाई साहब 100 वाट चार्जर, 120 वाट चार्जर, क्या कर रहे हैं चाइना वाले, बहुत बढ़िया क्या।
अरे बढ़िया, नहीं क्या भाई, उन्होंने वो अपना माल बेचेंगे, यहाँ से पैसा कमाएंगे, अपनी कंट्री में लगाएंगे, सिंपल सी बात यही है। तो फास्ट चार्जिंग ट्रेंड के पीछे मत भागो। देखो टाइम टू टाइम मैं कई बंदों को है ना मना करता हूँ, जिसके जरूरत का हो ना फास्ट चार्जिंग वाला फोन खरीदना, फास्ट चार्जिंग वाला फोन वही बंदा खरीदे जिसको जरूरत हो उसकी। अदर एक आम इंसान को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है फास्ट चार्जिंग, इसमें आपके पैसे भी ज्यादा वेस्ट होते हैं और आपका मोबाइल फोन भी जल्दी खराब होगा और आपके मोबाइल फोन के अंदर भी तरह तरह की दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी। कंपनी वाले वारंटी कितनी देते हैं? एक साल की। साल तक तो सही चलेगा, मगर एक साल के बाद ना आप उसे फास्ट चार्जिंग करते करते एक साल के बाद आपके मोबाइल फोन की बैटरी डिग्रेड होने लगेगी। आजकल कई कंपनियां यही कर रही है कि मोबाइल फोन के साथ चार्जर नहीं दे रही, अलग से खरीदो, उन्होंने कमाने का धंधा बना लिया एक। उन्हें एक चीज और पता है, इंडिया के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पे आप फास्ट चार्जर अगर खरीद लेते हो और आपके एरिया में अगर वोल्टेज रेगुलेशन सही तरीके से सिस्टम काम नहीं करता और वहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आपके चार्जर भी ज्यादा खराब होंगे। अब आपने लिया मान लीजिए 600-700 रुपए का चार्जर खरीद लिया फास्ट चार्जर, अचानक से उसके अंदर का डायोड उड़ गया, रिपेयर तो कोई करता नहीं चार्जर, आपको दूसरा चार्जर खरीदना पड़ेगा। तीसरा भाई, आप फास्ट चार्जिंग की जरूरत ही क्या है आपको, आपकी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है, स्लो चार्जिंग वाला चार्जर लो। काफी बंदे ने मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, आज उनकी कमेंट का मैं जवाब देने वाला हूं। काफी बंदे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, मैं आज उनकी कमेंट का जवाब देता हूं। ये जवाब है कि अगर आपने 33 वोट फास्ट चार्जिंग सपोर्टिंग कोई मोबाइल फोन खरीद लिया, उसमें चार्जर आप लगाना चाहते हो 18 वाट, मैं कहना चाहूंगा बिंदास लगाओ। देखो आप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाले मोबाइल फोन में स्लो चार्जर भी लगाओगे ना, तो आपकी बैटरी एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि एक तरफ फास्ट चार्जर है, एक तरफ स्लो चार्जर है, इन दोनों में बैटरी भरने का तरीका बता देता हूं आपको। देखो मान लीजिए दो बंदों को है ना हमने अलग अलग कट्टे दे दिए, कट्टे समझते हो जिसमें, अरे वो वाला नहीं यार, जिसमें वो मट्टी वट्टी भरते हैं जो मजदूरों के पास होते हैं जब घर बनाते हैं, कट्टे नहीं यूज करते। मान लीजिए किसी दो बंदों को दो बोरी, हाँ बोरी कह लो, कट्टा कुछ और समझ जाएगा बंदा को, मान लो दो बंदों को अलग अलग बोरी दे दी, उसमें कह दिया कि भाई 50-50 ईंट पड़ी हुई है ये भर के लानी है। एक बंदे ने भाई साहब ईंट उठाई और बिना किसी सेटिंग के वो भरता चला गया, उसने आओ देखा ना ताओ, और उस बंदे ने में ईंट भरनी शुरू कर दी उल्टी सीधी जैसे मर्जी, बोरी भर तो गई मगर पूरी 50 ईंट नहीं आ पाई और उसकी सेटिंग भी सही नहीं थी, उसके बाद वो बोरी भी फटने का डर होता है। उस बोरी को आप और फिर उस बोरी को ना तो सर पे रख सकते, सर पे रखोगे ईंटे चुभेंगी है ना, मतलब एक तरह से सेटिंग नहीं बैठी। दूसरे बंदे ने क्या किया, उसी बोरी में 50 ईंटे उसने जचा जचा के भरी और तरीके से भर गए, अब उसके अंदर ईंटे टूटी हुई भी नहीं निकलेंगी जो तमीज से भरी थी। पहले बंदे ने ईंटे भरी थी ना उल्टी सीधी, वो जब निकलते वक्त कोई टूट के ईंट निकल रही है कि जचा जचा के ईंटे भरी थी, उसकी ईंटे आराम से आप निकाल सकते हो। तो मेरे पास तो देने के लिए यही एग्जांपल था, आपके पास कोई एग्जांपल तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तो देखो कोशिश करता हूं आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की, मैं बस ये चाहता हूं फास्ट चार्जिंग के चक्कर में आप अपना पैसा बर्बाद ना करें। 25 वाट का चार्जर ले लो, 33 वाट का चार्जर ले लो, इतना बहुत होता है। चार्जर ऐसा नहीं है कि आपको दो दो दिन लगा देंगे चार्जिंग, स्लो चार्जर का यूज करते हैं तो आपके मोबाइल फोन की बैटरी की लाइफ बनी रहेगी 3-3, 4-4 साल। मेरे पास ना बहुत सारी कमेंट आती है आप लोगों की, जब आता है ना तो लगता है कि यार मैं दिल खोल के रख दूं आपके सामने, जवाब देने के लिए इतना उत्साहित रहता हूं मैं कि मैं आपको कैसे जवाब दूं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मुझे 3-4 साल तक फोन चलाना है, कौन सा फोन लूं? अगर मैं फास्ट चार्जिंग वाला फोन आपको रिकमेंड कर दूं तो क्या हो, आप एक साल ना चलाओ भाई साहब, एक साल के बाद है ना आप उस फोन को बेचने दुकान पे चले जाओगे, भाई कितने का बिक जाएगा? क्यों? क्योंकि हम रिपेयर करते हैं सारा दिन, ये देखते हैं भाई ये फोन बिकवा दिया यार। भाई सच में बता रहा हूं, ऐसा होता हमारे पास, जब भी मैं आपको रिकमेंड करता हूं ना तो 33 वाट तक का मोबाइल फोन रिकमेंड करता हूं, या आप मैक्सिमम 45 वाट का चार्जर यूज कर सकते हैं। देखिए अमेरिका में भी 45 वाट का आईफोन निकलता है, इंडिया में भी 45 वाट का आईफोन निकलता है, तो आईफोन वाले इस चीज का ध्यान रखते हैं ना। 200 वाट की टेक्नोलॉजी वो अपने फोन में नहीं ला सकते, आईफोन वाले ला सकते हैं मगर उन्हें लाना नहीं है, उन्हें पता है बैटरी डिग्रेड होगी और बैटरी डिग्रेड होगी ना तो क्वालिटी गिर जाएगी उनके मोबाइल फोन की, मोबाइल फोन बिकने बंद हो जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी। हर कदम फूक फूक के रखता है आईफोन, और आईफोन की ही ज्यादातर कॉपी की जाती है पूरी मार्केट में, और सबको पता है आईफोन का ही ट्रेंड सबसे पहले आता है और उसके बाद उस ट्रेंड को फॉलो किया जाता है एंड्रॉइड मोबाइल फोन में भी। ईयरबड्स जो आए थे ना वायरलेस, आईफोन ने निकाले, डिजिटाइज्ड टच फोन जो निकाले थे ना ये आईफोन ने निकाले थे, बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वेंशन फोन ने की, वो अपने इनोवेशन पे ध्यान देते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो मैंने कुछ अलग सी बनाने की कोशिश की है कि आपको मैं फास्ट चार्जिंग का कंसेप्ट समझा सकूं। देखो मैं ये नहीं कह रहा फास्ट चार्जिंग वाला फोन बिल्कुल मत खरीदो, आप अपने यूज के लिए खरीदो, आपको अगर वो फायदा दे रहा है तो आप उसे परचेज कर लो ना, एवं ही आप उसे लेना चाहते हो ना फास्ट चार्जिंग थोड़ी देर में चार्ज करूंगा उसके बाद रजाई में घुस जाऊंगा फिर बैठ के फिल्में देखूंगा, इस चीज के लिए फास्ट चार्जर नहीं होता भाई। इस चक्कर में तो आप बार बार फास्ट चार्ज करोगे उसकी बैटरी को डिग्रेड कर दोगे, एक साल से पहले आपके फोन की बैटरी बोल जाएगी, तो भाई ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ आपको, जापान के अंदर कितनी वोल्टेज आती होगी, 100 वोल्ट आती है वहां के घरों में, जो हमारे यहाँ 230 वोल्ट आती है ना, जापान में 100 वोल्ट आती है। हमें ये लगता होगा वहां तो भाई 500 वोल्ट के चार्जर चलते होंगे,
है ना। नहीं ऐसा नहीं है भाई, 10 वोट से लेके 20 वोट इसको प्रेफर करते हैं वो लोग। ऐसी बातें मानना है ना हमारे लिए एक अजीब सी हो जाती है कि यार इतनी फास्ट कंट्री है, उनकी तो हर टाइम नल के नीचे बाल्टी लगी रहती है भाई, उनको तो बहुत जल्दी रहती है, वो इतनी स्लो चार्जिंग में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। ओवरनाइट चार्जिंग का कल्चर फॉलो करते हैं वहां के लोग। हम अगर अपने मोबाइल फोन को स्लो चार्जर से चार्ज करते हैं ना, तो जैसे कि ये बैटरी है इसके अंदर कुछ परत बनी हुई है, कुछ तह बनी हुई है कपड़े के टाइप की, बैटरी खुलती हुई भी बहुत सारी देखी हूं। स्लो चार्जर से ना एक सिस्टम के तहत आपके मोबाइल फोन की बैटरी सही तरीके से आराम से चार्ज हो जाती है बिंदास। जो मिली एम्पियर होते हैं ना वो पूरे तरीके से बिंदास आराम से चार्ज होते हैं। फास्ट चार्जिंग से क्या होता है कि झटके से प्रेशर से चार्ज होती है, उससे आपके फोन की बैटरी डिग्रेड हो जाएगी। तो वो स्लो चार्जर प्रिफर करते हैं जापान में भी, 10 से 20 वोल्ट की चार्जिंग में वो खुश रहते हैं। अमेरिका में 20 से 25 वोल्ट तक में खुश रहते हैं, हमारे यहाँ 100 वोल्ट में भी खुशी नहीं मिल रही। और मोबाइल फोन कंपनियों ने अडैप्टर देने बंद कर दिए, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब 2 मीटर तार दे दिया करो, छीला और डायरेक्ट लगा लिया भाई, 200% बैटरी हो जाएगी 5 मिनट के अंदर, या तो वो उसमें भी एग्री हो जाएंगे। चाइना वाले बस इसी चीज का फायदा आजकल उठा रहे हैं कि इंडिया के अंदर है बिल्कुल। कमेंट करके बताना चाइना वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। यहाँ बस माल खरीदने की लोगों को जल्दी रहती है, बस अपने भले की नहीं सोचते लोग, बात बस एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि यार ये ट्रेंड चल रहा है इसको फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। गुड बाय।